धन्यवाद और सभी को हाथ जोड़ करके मेरा नमस्कार। और हमारे बीच में राजकुमार भाटी जी, बड़ा अच्छा लगा अंकल आपने जो बोला ना कि बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को करो, ये मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आपके जो विचार हैं उसी विचारधारा पर चलने की कोशिश और चलाने की कोशिश लड़कियों को, कम उम्र के युवाओं को मेरी हमेशा रहेगी, अक्सर रहेगी। और जो भी हमारी महिलाएं, हमारी चाची ताई है, वो जुड़ेंगी तो जरूर जोड़ा जाएगा। जैसे कि आज हम आए हुए हैं बोडा की गांव में, ये पहले भी मैं आई थी, मैंने अपने ऑफिशियल पेज से लाइव करके दिखाया। तो इसमें रेल मंत्रालय भारत सरकार का डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर बन रहा है। 2009 में ऐसे ही बताया मुझे, 2009 में बाहर 20A करके एक्वायर किया गया, 2010 में फाइनल। और ध्यान देना वो लोग जो मेरे पेज से जुड़े हुए हैं, वरना इस आंदोलन को, उस दिन मैं चली गई थी ऐसे ही सहयोग करने के लिए आई थी, इस आंदोलन को और बड़ी रूपरेखा में चौकी चूल्हे के साथ में जितने भी MP MLA हैं उत्तर प्रदेश में, इनके घर इन महिलाओं को बैठाएंगे, क्योंकि इनके टूट जाएंगे कहीं तो बैठाने पड़ेंगे, तो इन्हें वहीं बैठाएंगे और वहीं पे चाय पकौड़ी खाएंगे। क्योंकि जो नेता है MP MLA भैया, नौकर वोकर भी उन्हें मिले हुए तो हमारे पास में नहीं है। 2014-2013 में SDM शक्ति दुर्गा नागपाल जी थी, उस टाइम पे उन्होंने मुआवजा भी दे दिया था, जो रेलवे की जमीन को इन्होंने लिया था बाहर बाहर से, मुआवजा भी इनको दिलवा दिया था इन SDM की, उसमें बोडा की गांव में बाहर से वो रास्ता निकाला गया था। और अब अपनी जमीन जो ये सरकार को दे चुके, अब मैंने भी कभी इतनी कम उम्र में ये नहीं सुना कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए एक ही जगह में दो जमीन ली जाए, मैंने सुना नहीं। अगर आप लोगों ने सुना हो तो मुझे पता नहीं। तो उसी विषय में ये यहाँ पे धरना तकरीबन हो गए होंगे 23 दिन, 5 तारीख से हो रहा है। भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है उसकी लाइन बाहर से निकाले, जबकि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना कि प्रोजेक्ट दो और गांव एक। इस आंदोलन को तेज के लिए दो जगह एक बार नहीं होती, एक प्रोजेक्ट के लिए, है ना, ऐसे ही मैंने सुना है। अच्छा हुआ आपने बताया। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी, ज्यादा कुछ इसमें इतना जानती हूँ जितना मुझे बताया गया, इससे ज्यादा नहीं जानती। बाकी इतना जानती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी इस बात को खुद संज्ञान में नहीं लेते हैं तो फिर से लखनऊ आते हैं, इनको आपके घर में बिठाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं और 20-20 15-15 साल की लड़कियां भी हैं मेरे जैसी, इन्हें उनके घर में बिठाएंगे। और आप से वहीं रह लोगे ना, रह लोगी भाई, मुख्यमंत्री जी के यहाँ रहना पड़ेगा, काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, चाय बनी हुई मिलेगी, नौकर चाकर मिले हुए हैं, MP MLO के घर में शिफ्ट करवाया जाएगा। क्योंकि जब आपका घर ले लिया जाएगा कहीं तो रहोगी, सड़क पर थोड़ी रहोगी, बिल्कुल। बाकी इस बात पे ये लोग एग्री है कि यहाँ से दूसरी जगह शिफ्टिंग करा दें मुख्यमंत्री जी, अगर ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो भैया, आपकी पावर है, सरकार है, गुंडे लोग भी हैं, पुलिस है, ये सीधे साधे किसान है, तो आप दूसरी जगह इनको शिफ्ट करा दें, शिफ्टिंग दे दें, इनको जगह दे दें। क्योंकि ये जबरदस्ती इस जमीन को ये दिखाना चाहते कि ये खेत की जमीन है, जबकि 84 में तो ये घोषित ही हो गया कि ये उसकी जमीन है रहने वाली, LMC की, आबादी की। और 70 साल से पहले समथिंग यहाँ घर बने हुए हैं, जैसे कि मैंने देखा पीछे भी। तो ये जबरदस्ती इसलिए क्योंकि मुआवजा कम देना पड़ेगा भैया, 1-1 करोड़ के वकील हायर कर रहे हो तुम रेल वालों, थोड़ा इनके बारे में सोच लो। नहीं तो इस आंदोलन को, अभी तो यहाँ बहुत कम लोग हैं, बड़ा रूप लेकर के आते हैं फिर लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है इस बात पर जरा संज्ञान ले, 2022 में चुनाव है, एक अलग रुझान। हम गुंडागर्दी तो कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बताया उन्होंने राजकुमार भाटी अंकल ने कि जो जमीन अपनी वोट है, हमारी जो वोट है, एक प्रधानमंत्री की वोट भी वही वैल्यू करती है और एक रिक्शे वाली की भी वही करे, फिर हम आराम से पूरे देश में 2022 पूरे प्रदेश में, फिर केंद्र में जब चुनाव होंगे पूरे देश में सभी से इस आंदोलन की जो रूपरेखा उसे और बड़ा कर देंगे। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन लेंगे, सभी उत्तर प्रदेश के और देश के किसानों से समर्थन लेंगे और इनको वोट नहीं देने देंगे। सीधा सीधा बोलूंगी, घुमा करके नहीं बोलूंगी, बीजेपी को वोट नहीं देने देंगे। वैसे लोगों के मुंह में बड़ी दही जम जावे जब बात चलने लग जावे, यूपी चुनाव पे कुछ बात करो, केंद्र पे कुछ बात करो, चुनाव पे कुछ बात करो, तो मैंने देखा बड़े बड़े नेता जो है हमारे, उनके भी मुंह में दही जम जावे, वो ठीक से बता नहीं पाते कि यूपी चुनाव में 2022 में क्या करना। तो हम लोग सीधा सीधा बताएंगे, इनके आंदोलन को बड़ी रूपरेखा देंगे और इनको वहीं बिठाएंगे। ठीक है, रहेंगे आप वहीं? चले, हमें भी
खुद खुश किस्मत होंगे हम भी कि मुख्यमंत्री जी के घर में रहते हैं। गैया ने भी बांध लोगी, ठीक बिल्कुल। सभी का मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्रशासन से भी, अगर आपके पास कोई ऐसा लिखित में कोई पर्चा है तो आप उसे ही ना दिखावे। कोर्ट का जो आदेश होता है वो सर्व उच्च होता है, उसे ये भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप इन्हें दिखावे, इनकी संतुष्टि करें, और नहीं करते हैं तो आंदोलन चल रहे हैं देश में जगह जगह, कभी कहीं, कभी कहीं बच्चों का चल रहा पढ़ाई का, कभी कहीं चल रहा पढ़ाई का, कभी कहीं वकीलों का, कभी पत्रकारों का, किसानों के तो जगह जगह चल रहे हैं। तो फिर इसका एक समूह बना करके अच्छे से आते हैं उभर के, मिलते हैं आपसे, और आप अपनी वोट को बस बांटना मत। मैं यही कहना चाहूंगी हर मंच पे, हर लाइव में, हर अपने वीडियो में यही बोल रही हूँ, इनके पास मौका है एक बस, राम मंदिर, राम मंदिर। थोड़ा दिमाग पर जोर डालें, और जो ज्ञान देने वाले लोग हैं खासकर वो, क्योंकि जो समझदार है वो तो समझ रहे हैं, ज्ञान देने वाले लोगों को थोड़ा समझाना कहना पड़ रहा। भगवान राम, हालांकि किसी की औकात नहीं भगवान को कोई घर दे सके। अभी मेरे चाचा एक बता रहे थे कि राम मंदिर बनाया, तो मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूँ। भगवान को घर देने की किसी की औकात नहीं, लेकिन जिस टाइम पे माँ सीता के साथ में छल करा था रावण ने, आपको पता रावण ने छल कैसे किया? जय श्री राम बोल करके, जय श्री राम जब बोला रावण ने तो माता ने समझा कि कोई राम भक्त है, तो उस टाइम पे छल किया ना माता के साथ में। और अब जो ये जय श्री राम बोल करके छल कर रहा है, अब ये जनता के साथ में कर रहे हैं। भगवान तो अथा है, ईश्वर अथा है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, ना उसको कोई दे सकता। ऐसा ना हो ठीक है राम मंदिर बनना अच्छी बात है बनाओ, ऐसा ना हो कि राम मंदिर बन रहा है और जो देश का भविष्य युवा है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो मेडल ले लेके आ रही है ओलंपिक में, देखा नहीं अभी टोक्यो में कौन से नेता का बेटा लेकर आया वही मेडल, कौन से मंत्री जी का लेकर आया, किसान के बच्चे लेकर आ रहे सारे वो मेडल। कहीं ऐसा ना हो जो देश का भविष्य है बच्चे राम मंदिर बना रहे, हम वहां बाहर लाइन में बैठे रहे कटोरा लेके। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है राम मंदिर बनना अच्छी बात है, परमात्मा का घर बन रहा है, हाल तो किसी की औकात नहीं उसका घर बनाने का, वो दुनिया के घर बनाता है ऐसा मैंने सुना, लेकिन इन्होंने कुछ नया कर दिया कि हम भगवान का घर बना रहे हैं, भगवान से भी सर्वोच्च अपने आप को ये मान रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये जाने वाले, जिस तरीके से आए सोशल मीडिया सर, हम जैसे युवा इन्हें लेके आए, हर हर मोदी, घर घर मोदी कर गए, ऐसे ही हटाएंगे, वादा करते हैं आपसे, पूरी 403 सीट है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, सभी में घूमूंगी, और आपके लिए यही बोलूंगी कि आप इनको वोट मत देना, बिल्कुल सीधा, सभी को बोलना चाहिए। क्या होगा ज्यादा ज्यादा मुकदमे हो जाते हैं, हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, पहले भी बतेरे हो रहे हैं, आगे भी होंगे, और मैंने तो ऐसा सुना जब तक मुकदमे नहीं होते जेल नहीं जाते नेता नहीं बनते, तो बड़े बड़े लड़के जो है उम्र के 24-25 साल के, तो वो नेता बनेंगे अच्छी बात है। मंडोला जी जेल गए थे राष्ट्रपति बने, महात्मा गांधी जी जेल गए, नोट पे फोटो आती है ना भारत के पे महात्मा गांधी जी की, तो कुछ हम चपरासी तो बन लेंगे, कोई बात ना, हक की आवाज है, अधिकार की आवाज है, उठाओ, क्योंकि हम उस देश में हैं जहां से बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आंदोलन कर करके हमारे देश को आजाद कराया, जो कहते थे कि हाँ हम फांसी पे झूलेंगे और आपको आजाद कराएंगे, हम उस देश से हैं। कुछ भी बन, जमीर को जिंदा रख, बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप अपने जमीर को जिंदा रखना और इनके राम राम में मत आना, क्योंकि राम आपके दिल में है, वो ईश्वर आपके मन में है। आप वोट देना शिक्षा के आधार पर, आप वोट देना महिलाओं के सम्मान के आधार पर, आप वोट देना किसानों के आधार पर, खोरी गांव में 1,00,000 परिवारों को इन्होंने उठाया, उजाड़ा वहां से, तो आप वोट देना उस सिस्टम को देख कर गए, जिसकी 15 साल की लड़की वो रोड पे लेके बैठी हुई है अपनी बेटी को, आज उनके पास घर नहीं है, आप वोट देना इस पे ही कहते हैं महिला का सम्मान बढ़ाएंगे। देखा कितनी दुर्दशा पुलिस वाले महिलाओं की करते हैं, जो बोलती है उनकी करते हैं, जो टीवी पर दिखाती है उनकी करते हैं, बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है एकत्रित रहे, एक रहे, बस अपनी एकता को बरकरार रखें, ना किसी की जिंदाबाद की भीड़ लगावे, जिंदाबाद की भीड़ यही लगा रहे, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन सिस्टम सब क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चे ना पढ़े और इनकी जिंदाबाद की भीड़ में जयकारे लगावे, ये तो चाहते हैं कि अनपढ़ रहे हैं। अगर अनपढ़ आप रहेंगे, हम अनपढ़ रहेंगे, तो अपने अधिकार की आवाज कैसे उठावेंगे, ये तो चाहते हैं कि ऑनलाइन सारा सिस्टम हो। लोग चाहते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं कि शटर डाउन हो, लॉकडाउन लगे, क्योंकि शटर डाउन में भी उनके तो कामकाज चलते रहते हैं, भूखे मरते हैं आप जैसे और हम जैसे लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग जिन पर खेती नहीं है वो लोग भूखे मरते हैं।
तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों को देख के वोट डालना, ईश्वर के नाम पे मत डालना। सोचो कितना गिर सकते हैं ये लोग जो भगवान को वोट के लिए आगे करते हैं। बस आप यहीं पे लगा लेना किस टाइम पे कब छल किया गया भगवान राम के नाम पे। अब ये भी उसी नीति पे चल रहे हैं, लेकिन उस टाइम का सिस्टम बड़ा अलग था। रावण का भी घमंड टूटा, हालांकि बड़े विद्वान थे वो, एक घमंड जो था वो उनका टूटा, अब इनका भी टूटेगा। सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी बस एक रह में, अगर कोई चूक कोई शब्द मेरे से ऐसे निकले अपनी छोटी बच्ची समझ करके मुझे माफ कर देना। जय जवान, जय जवान, जय जवान एकता। अगर आप इसको बरकरार रखोगे सारी सरकारें ऐसे हिलती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, पटना नहीं, धर्मवाद में, जातवाद में, परिवारवाद में, पटना नहीं, देखना सिस्टम कैसे हिलता है इनका। 2000